यूट्यूबर एल्विश यादव इन दिनों विवादों से घिरे हैं। एल्विश यादव पर सांप का जहर सप्लाई करने का आरोप लगा है। इसी मामले में नोएडा के थाना 49 में एल्विश यादव सहित 6 अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। अब तक पुलिस की जांच में एल्विश के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। अब इस मामले में नोएडा के थाना 49 के प्रभारी पर एक बड़ा एक्शन हुआ है। थाना प्रभारी संदीप सिंह चौधरी को लाइन हाजिर किया गया है। ये एक्शन पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह की ओर से लिया गया है। नोएडा पुलिस की तरफ से जारी बयान में बताया गया है कि थाना प्रभारी सेक्टर 49 नोएडा को थाना क्षेत्र अंतर्गत अपराध नियंत्रण पर प्रभावी अंकुश न लगा पाने के कारण रिजर्व पुलिस लाइन स्थानांतरित किया गया है। बता दें, नोएडा पुलिस ने शुक्रवार को रेप पार्टियों में सांप के जहर के सप्लाई को लेकर एल्विश यादव के खिलाफ मामला दर्ज किया था और 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। वहीं यूट्यूबर ने आरोपों का खंडन किया है और जांच में पुलिस के साथ सहयोग करने की भी बात की है। नोएडा पुलिस के अधिकारियों ने कहा था कि शुक्रवार को कोबरा समेत 9 सांपों को गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से मुक्त कराया गया। ये लोग गुरुवार को एक पार्टी के लिए नोएडा के सेक्टर 51 के एक बैंक्वेट हॉल में आए थे। ये पार्टी दरअसल पशु अधिकार समूह पीपुल फॉर एनिमल्स द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए बिछाया गया एक जाल था। नोएडा के पुलिस उपायुक्त राम बदन सिंह ने कहा है कि सांप का 20 मिलीलीटर जहर भी जब्त किया गया है। पुलिस के मुताबिक घटना के वक्त एल्विश यादव नोएडा के बैंक्वेट हॉल में मौजूद नहीं थे। अधिकारी ने कहा कि पुलिस सबूत इकट्ठा कर रही है और मामले में यूट्यूबर की भूमिका की भी जाँच की जा रही है, जिसके बाद उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि बीजेपी नेत्री मेनका गांधी के एनजीओ पीएफए ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसके बाद एनिमल वेलफेयर ऑफिसर के पद पर कार्यरत गौरव गुप्ता ने नोएडा पुलिस में एक एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें एल्विश यादव का नाम भी शामिल है। इस मामले के सामने आने के बाद से ही नोएडा पुलिस एल्विश यादव की तलाश में थी। इस दौरान शनिवार को राजस्थान के कोटा ग्रामीण पुलिस ने एक गाड़ी को रोका, जिसमें 3 से 4 लोग सवार थे। इसमें एक एल्विश यादव भी था, जिसके बाद पुलिस ने पूछताछ करने के बाद एल्विश यादव को जाने दिया, जिसको लेकर कोटा ग्रामीण के एडिशनल एसपी अरुण ने कहा कि एल्विश यादव को पूछताछ के लिए रोका गया था, जिसके बाद नोएडा के संबंधित थाने के डीसीपी और एसीपी से बात की गई। इस दौरान उन्होंने बताया कि वो अभी वांटेड नहीं है, जांच चल रही है, इसके बाद हमने उसको छोड़ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।